चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको साइकोलॉजी मनोविज्ञान का जो फिफ्थ प्रैक्टिकल होता है बुद्धि परीक्षण, मानसिक योग्यता परीक्षण, ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस प्रपत्र को कैसे सॉल्व करते हैं। इसे मानसिक योग्यता परीक्षण के साथ साथ जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी कहा जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है GMAT। तो फ्रेंड्स, इसका निर्माण संरचित व मानकीकृत डॉक्टर रोमापाल एवं डॉक्टर श्रीमती रमा तिवारी के द्वारा किया गया है। ये इसके जो पब्लिशर्स हैं मानसिक योग्यता परीक्षण के, आगरा साइकोलॉजिकल रिसर्च सेल, इनके द्वारा पब्लिश किया गया है। फ्रेंड्स, इस प्रपत्र को हल करते समय हमें कुछ निर्देश दिए जाते हैं जो निम्नलिखित हैं। ये परीक्षण प्रपत्र है, इस प्रपत्र पर कुछ न लिखे, अपने उत्तर केवल उत्तर प्रपत्र पर ही लिखे। फ्रेंड्स, यह जो निर्देश है मैं आपको बता रही हूँ, यह एक साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण है जिसमें 70 प्रश्न दिए हुए हैं। प्रत्येक प्रश्न की भाषा सरल तथा प्रश्न के साथ ही कुछ उत्तर भी दिए गए हैं। आपको उन उत्तरों में से केवल सबसे ठीक उत्तर को चुनना है तथा सही उत्तर की संख्या के उत्तर पत्र पर लिखना है। आप यह प्रयास करें कि 20 मिनट के समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का सही उत्तर देवे। अगर कोई प्रश्न आपको बहुत कठिन लगता है तो उसे हल करने में अधिक समय व्यतीत न करें, उसे छोड़कर अगले प्रश्न का उत्तर दें। ध्यान रहे कि प्रत्येक प्रश्न का एक ही ठीक उत्तर है। इस परीक्षण में कई प्रश्न हैं जिन्हें आपको हल करना होता है। प्रत्येक प्रश्न के कई उत्तर दिए हुए हैं जिनमें से केवल एक उत्तर सही है। आपको उस सही उत्तर को उत्तर प्रपत्र पर लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ एक प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा भिन्न वर्ग का है, केला, सेब, तरकारी, पपीता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तरकारी शब्द सही उत्तर है, अतः उत्तर प्रपत्र पर प्रश्न संख्या के सामने स वाले खाने में सही का निशान लगाना है। इसी प्रकार प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका प्रपत्र पर प्रश्नों के साथ दिए हुए हैं जिनमें से सही उत्तर चुनकर आपको उत्तर प्रपत्र पर लिखना है। जैसे हमारे इसमें जो भी सही है वो हमें एक पेज दिया जाएगा, उस पर हमें क्रमांक संख्या के सामने हमारा सही उत्तर लिखना होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसे कैसे करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हमें यहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए, मैं बताती हूँ आपको। इन प्रश्नों की संख्या 70 है जो हमें 20 मिनट के अंतर्गत करने होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ हमारे 70 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हमें एक उत्तर प्रपत्र दिया जाता है जिसके अंतर्गत जो भी सही उत्तर हमने इन 70 प्रश्नों में दिए हैं वो हमें इस शीट पर लिखना होता है, और हमें एक सही आंसर शीट भी दी जाती है सही उत्तरों के लिए। फ्रेंड्स, इसके बाद आती है उस परीक्षण को हल करने के बाद हमारा आता है टेबल नंबर 1। तो फ्रेंड्स, हमें इस तरह यहाँ कॉलम बनाने होते हैं, 4 कॉलम, संख्या क्रमांक, छात्र का उत्तर, सही उत्तर और प्राप्तांक। जैसे हमारे 70 प्रश्न हैं तो हमें 70 प्रश्न इस तरह इस पेज पर बनाने होते हैं। संख्या क्रमांक के अंतर्गत हमें प्रश्नों की संख्या डालनी होती है, और छात्र का उत्तर, छात्र का उत्तर जो भी आता है, छात्रों ने जिस भी इस पर टिक किया है वो हमें छात्र के उत्तर में यहाँ लिखना होता है, और सही उत्तर, उन प्रश्नों के सही उत्तरों के लिए हमें प्रश्न प्रपत्र के साथ में एक सही उत्तर की आंसर शीट भी दी जाती है जो सही उत्तर के अंतर्गत हमें यहाँ लिखने होते हैं। और प्राप्तांक, जैसे छात्र का उत्तर और सही उत्तर दोनों सेम है तो हमें एक नंबर देना है, और अगर छात्र का उत्तर और सही उत्तर अलग अलग है तो हमें 0 देना है। तो इस प्रकार हमें 70 प्रश्नों को हल करना होता है और हमें इन नंबरों की काउंटिंग करनी होती है। तो हमने यहाँ लिखा है कि कुल प्रश्नों की संख्या 70, हमें यह प्रश्नों की संख्या 70 दी गई थी इसलिए कुल प्रश्न हमारे 70 थे, और सही उत्तरों की संख्या, विद्यार्थी द्वारा कितने उत्तर सही दिए गए हैं हमें यहाँ काउंट करने होते हैं, और इन्हीं को काउंट करने के बाद हम यहाँ पर संख्या लिखते हैं। जैसे सही उत्तरों की संख्या 34 है तो विद्यार्थी ने 34 सही दिए हैं। इसके पश्चात हमें एक तालिका बनानी होती है कि हमें पता चलता है कि विद्यार्थी की उपलब्धि कैसी है। फ्रेंड्स, उसके बाद हमें यहाँ देखने को मिलता है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। तो जो मानसिक आयु होती है, जो विद्यार्थियों की सही उत्तरों की संख्या है, वो मानसिक आयु के अंतर्गत आती है, और जो वास्तविक आयु होती है, विद्यार्थी कितने साल का है, वो हमें वास्तविक आयु में गिनना होता है। तो जैसे मेरे सही उत्तरों की संख्या थी 34, तो मैंने यहाँ 34 लिखा है,
और 23 मैंने इसलिए लिखा है, ये जो 34 है मेरे मानसिक आयु है कि विद्यार्थियों की बुद्धि कितनी थी और उन्होंने कितने उत्तर दिए हैं 70 में से। तो विद्यार्थी ने 34 उत्तर सही दिए हैं और वास्तविक आयु मैंने जिस विद्यार्थी से प्रपत्र सॉल्व कराया हल कराया है उसकी जो आयु थी उम्र थी उसके 23 वर्ष थी। तो मैंने यहाँ वास्तविक आयु के अंतर्गत उसकी आयु लिखनी होती हमें गुना 100। तो हमें जो है 34 को 23 से भाग देना है और 100 से गुना करना है। तो हमने जब 34 को 23 से भाग दिया और जो संख्या है उससे हमने 100 को गुना किया, तो इस तरह हमारा 147.82 हमारा ये उत्तर आया। ये हमारा बुद्धि लब्धि का सूत्र था। इसके पश्चात हमें बुद्धि का वर्गीकरण करना होता है कि विद्यार्थी कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है। यहाँ हमें बुद्धि लब्धि के जो कुछ मानक दिए हुए, जैसे 140 से अधिक अगर आता है तो प्रतिभाशाली के अंतर्गत आता है। बुद्धि के प्रकार भी बताए गए, 120 से 140 अतिश्रेष्ठ बुद्धि के अंतर्गत आता है, 110 से 120 के अंतर्गत जो भी आता है वो श्रेष्ठ बुद्धि के अंतर्गत आएगा। इस तरह से यहाँ पर सबके अपने मान दिए हुए हैं कि कौन सी बुद्धि के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमें देखना है कि 147.82 हम कौन सी बुद्धि के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स 140 से अधिक है तो 140 से अधिक जितने भी संख्या आएंगे वो प्रतिभाशाली श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो विद्यार्थी है वो कौन सी बुद्धि के प्रकार में आता है, तो विद्यार्थी या प्रतिभाशाली बुद्धि के प्रकार में आता है। फ्रेंड्स यहाँ हमारा जो मानसिक योग्यता परीक्षण था वयस्कों के लिए यहाँ समाप्त होता है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी तालिका बनाना और मानसिक योग्यता परीक्षण बनाना, परीक्षण प्रपत्र सॉल्व करना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबाना ना भूले ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। थैंक यू।